विराजमान शासक जी, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब लोगों को और आप सब लोगों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के नागरिकों को, देश के नागरिकों को और पूरी दुनिया में जहां जहां खालसा पंथ के मानने वाले लोग हैं, उन सबको मैं दसवें बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन पर्व के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी शाह जादू का शहीदी पर्व यहां मन रहा था और उस अवसर पर भी मुझे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सम्मानित साथियों ने यहां पर आपके सामने दो शब्द रखने का मौका दिया था। मैं हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जहां भी बोलता हूं, देश को गुरुद्वारे में बोलूं, पटेल नगर गुरुद्वारे में बोलूं, प्रदेश के किसी भी कोने में बोलूं, मेरी हमेशा से एक मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसे महान गुरु और उत्तराखंड से तो विशेष निष्ठा राष्ट्र नायक, पूरे देश के आध्यात्मिक दृष्टि से अगर भारतवर्ष को जोड़ने का काम आदिगुरु शंकराचार्य के बाद किसी ने किया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया। कहां जन्म लिया? पटना साहिब। तपस्या कहां करी? हेमकुंड साहिब। कर्म भूमि कहां बनाई? पंजाब। और कहां जाकर के शरीर छोड़ा? नांदेड़ साहब। पूरे देश को एक करने का काम, और केवल एक करने का काम नहीं बल्कि पूरे देश में सर्वस्व, अभी हमारे प्रधान जी बोल रहे थे, सब कुछ देश के लिए और कौम के लिए बांट दिया। बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, मैं उसमें बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई रागी के लिए हुई, कोई जमीन जायदाद के लिए हुई, राजपाट के लिए हुई, गुरु गोविंद सिंह जी की जो लड़ाई हुई वो देश के लिए और कौम के लिए। तुलसी बाबा ने रामचरित्र मानस में कहा, भगवान राम के आने पर जब भगवान राम आए तो भगवान राम के बारे में तुलसी बाबा ने कहा कि भगवान राम आए जहां द्वापर में भगवान कृष्ण आए और कलयुग में गुरु गोविंद सिंह जी आए। लेकिन तीनों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो भगवान राम के लिए तुलसी बाबा ने कहा, क्योंकि भगवान राम ने कभी स्वयं ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन द्वापर में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा, तब तब मैं आऊंगा। और कलयुग में गुरु गोविंद सिंह जी, हम ही का जगत मोहाय धर्म हेत गुरुदेव पठाए, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, लेकिन कंडीशन लगा दी, जो हमको परमेश्वर उछरे नरक कुंड में उस सब पर परमेश्वर मत कहना। ऐसे महान गुरु और उनका हम आगमन पर्व मना रहे हैं, उनका हम आज जन्म उत्सव मना रहे हैं, ऐसे पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। मैं आप सब लोगों को और आप सब लोगों के साथ साथ पूरी भारतवर्ष की जनता को, क्योंकि राष्ट्र नायक का आगमन पर्व है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार जिस प्रकार से गुरुद्वारे में आयोजन कर रही, कोरोना काल है, हम लोग ये लगा करके घूम रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी लहर में हमने बहुत तकलीफें सही है, बहुत परेशानियां सही है, बहुत अपनों को खोया है, अब दोबारा से तीसरी लहर का आगमन हुआ है, गुरु महाराज कृपा करें, इन्हीं की कृपा से सब बचा होगा। हमने ऑक्सीजन बैंक बनाया है देहरादून में, पिछली बार भी हमने पूरे देहरादून के अंदर जहां जहां आवश्यकता पड़ी थी लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई, अब हमने परमानेंट ऑक्सीजन बैंक बना दिया है। ईश्वर न करे, गुरु महाराज न करे कि ऐसी किसी के ऊपर मुसीबत आए, लेकिन अगर कभी किसी को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों से मैं संपर्क करूंगा, और कुछ सिलेंडर अगर प्रधान जी कहेंगे तो हम यहाँ
दिक्कत और परेशानी किसी को ना आए, ऐसी कृपा गुरु महाराज बना के रखे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वाहेगुरु जी।